हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन विद एच एम पर। तो फ्रेंड्स, आज अपन आरबीसी क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर फर्स्ट रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के भाग 8 को शुरू करेंगे। आज की इस वीडियो में अपन चर्चा करने वाले हैं अपने इस अध्याय के अंतिम टॉपिक जिसका नाम है 1.3 टॉपिक, क्या आपने दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभावों को देखा है। इस टॉपिक पर आज अपन चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आपको अपने टॉपिक में दिख रहा है कि एक प्रश्न है जो आपसे पूछा जा रहा है, वो प्रश्न है क्या आपने दैनिक जीवन में यानी अपने डेली रूटीन में, डेली लाइफ में उपचयन अभिक्रियाओं के यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन के प्रभावों यानी इफेक्टों को देखा है क्या, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका उत्तर अपन दो प्रक्रियाओं के द्वारा समझेंगे, है ना। आपके बुक के अंदर दो प्रक्रियाएं दे रखी हैं, एक दे रखी है संक्षारण और एक प्रक्रिया दे रखी है आपकी विकृत गंधिता। ठीक है, ये दो दे रखी हैं। उन दोनों प्रक्रियाओं यानी प्रोसेसों के थ्रू अपन समझेंगे कि दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया जो होती है उसका क्या प्रभाव होता है। देखिए, उपचयन अभिक्रिया मतलब सिंपल साधारण शब्दों में ऑक्सीजन का जुड़ना, है ना। ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन जब किसी पदार्थ में जुड़ता है तो उसे अपन उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहां से अपन दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया के प्रभाव को देखने का मतलब यह है कि ऑक्सीजन जब दैनिक जीवन में किसी अभिक्रिया से जुड़ता है तो वहां पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं उसको समझेंगे अपन। तो सबसे पहला जो टॉपिक आएगा अपनी एनसीईआरटी के अनुसार वो आएगा 1.3.1 टॉपिक, जिसका नाम है संक्षारण। जिसका नाम क्या है? संक्षारण। और इसको कहते हैं कोरोजन, इंग्लिश में कहते हैं इसे कोरोजन। देखिए, एक नया वर्ड है आपके लिए ये संक्षारण। आप पहली बार सुनेंगे तो इसका मतलब समझ लीजिए। संक्षारण जो शब्द है इसे इंग्लिश में कहते हैं कोरोजन, और कोरोजन को और सरल भाषा में कहते हैं पदार्थ का धीरे धीरे नष्ट होना। मतलब कोई पदार्थ है अपने पास, उसका धीरे धीरे नष्ट होना ही कोरोजन कहलाता है, और कोरोजन को हिंदी में अपन कहते हैं संक्षारण। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा संक्षारण से क्या तात्पर्य है, या संक्षारण की परिभाषा लिखकर इसे इसके दो उदाहरण लिखो। तो आपको लिखना है, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब यह संक्षारित होती है, और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। समझना क्या बोल रहे हैं हम। जब कोई धातु, कोई भी धातु ले लो, कॉपर, मेटल, लोहा, कुछ भी एक धातु ले लो, जैसे लोहा लिया अपन ने, है ना। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, या धातु के पास अगर कोई अम्ल है, आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी या मॉइस्चराइजर है यानी नमी है, आर्द्रता मतलब सिर्फ आसान भाषा में क्या कहते हैं, नमी, नमी की स्थिति है आदि के संपर्क में आती है, जब वो जो धातु है, धातु के रूप में अपने क्या लोहा आता है, तो संक्षारित होता है यानी धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। और इस ये जो धीरे धीरे नष्ट होने की जो प्रक्रिया होती है उसी को अपन संक्षारण कहते हैं, है ना। जैसे उदाहरण के तौर पर लोहे पर जंग लगना, है ना, ये एक संक्षारण का उदाहरण है। लोहे पर जब जब जंग लगता है तो एक संक्षारण का उदाहरण होता है। चांदी के ऊपर काली परत चढ़ती है ना, चांदी के ऊपर जब काली परत चलती है, जो सिल्वर होती है, सिल्वर सिल्वर पर क्या होता है, जब उसको आर्द्रता यानी नमी वाली जगह पर रख देते हैं ना चांदी को, तो उसके ऊपर एक काली सी परत चढ़ जाती है ना, एक काली सी परत चढ़ जाती है, वो भी संक्षारण के कारण ही होता है ना। तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना, ये भी एक संक्षारण का उदाहरण है। अब संक्षारण ना हो, है ना, अपनी जो चीजें जैसे लोहे की चीजें हैं, चांदी, तांबे या कोई भी धातु है, वो जो धातु संक्षारण से बची रहे यानी वो नष्ट ना हो, तो हम क्या कर सकते हैं, अपन उनको अम्ल से दूर रख सकते हैं और आर्द्र यानी नमी वाली जगहों से दूर रख सकते हैं, यानी पानी की जगह और ऑक्सीजन से ना मिले, क्योंकि अम्ल और आर्द्रता अधिकांशतः ऑक्सीजन से ही आता है ना। अब लोहा क्या होता है, लोहे पर जंग कैसे लगता है, कभी सोचा है लोहे पर जंग कैसे लगता है? लोहा क्या होता है, अगर ऑक्सीजन में मतलब वायुमंडल में खुला छोड़ रखा है, तो वायुमंडल में ऊपर से जो ऑक्सीजन होती है उससे लोहा क्या करता है, अभिक्रिया करता है, और अभिक्रिया कर कर क्या कर लेता है, उपचयन अभिक्रिया हो जाती है, फेरस ऑक्साइड बन जाता है, और इस तरीके से फिर उसके ऊपर जंग लगना शुरू हो जाती है, यानी जंग यानी जिंक
आ जाता है। अभी आगे पढ़ेंगे इन सारी बातों को। अभी तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि संक्षारण किसे कहते हैं, ये परिभाषा याद रखनी है, और उदाहरण के तौर पर ये तीन एग्जाम्पल याद रखने हैं आपको। अब बढ़ो आगे, अब आता है एक और नेक्स्ट टॉपिक, 1.3 पॉइंट टॉपिक, विकृत गंधिता, है ना। विकृत गंधिता क्या है भाई? विकृत गंधिता को इंग्लिश में कहते हैं रेसिडिटी, क्या कहते हैं? रेंसिडिटी। और इसे आसान भाषा में कहते हैं बासीपन, है ना। बास जाता है ना, कोई चीज बास जाती है उसे बासीपन कहते हैं। तो विकृत गंधिता मतलब होता है रेंसिडिटी, और इसको हिंदी में कहते हैं बासीपन। आपसे पूछा जाएगा विकृत गंधिता क्या है, इसकी परिभाषा लिखो। तब आपको लिखना है जब वसा और तेल, जब वसा, वसा यानी फैट्स, और तेल यानी ऑयल लंबे समय तक खुले में रहते हैं तो वे वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन से उपचयित हो जाते हैं। उपचयित माने जुड़ जाते हैं, ऑक्सीकृत हो जाते हैं, और विकृत गंधित हो जाते हैं। विकृत गंधित यानी बासी हो जाते हैं, और उनकी गंध और स्वाद बदल जाता है। इस प्रक्रिया को विकृत गंधिता के रूप में जाना जाता है। क्या होता है भाई, क्या होता है यहाँ समझिए। जब वसा और तेल लंबे समय तक खुले में रहते हैं, है ना, वसा या फिर कोई तेल, जैसे तेल मान लो, या कोई भी जैसे तेल से बनी चीज हो गई, या वसा जो फैट्स होते हैं, वो जो चीजें होती हैं, जब वायु होती है अपनी वायुमंडल में उपस्थित, अगर वायु में उसको खुला छोड़ दिया जाए, मतलब मान लो जैसे तेल है अपना, अब तेल को खुला छोड़ दिया अपन ने, अब वायुमंडल में उपस्थित जो ऑक्सीजन है वो तेल से क्या करेगी, अभिक्रिया होगी, और अभिक्रिया करके कौन सी अभिक्रिया होगी, उपचयित अभिक्रिया होगी, और उपचयित अभिक्रिया होते ही वो विकृत गंधित हो जाएगी। विकृत गंधित मतलब बासी हो जाएगी, और बासी होते ही, बासी होने का अभिलक्षण क्या होता है, यानी बासी हो गई है ये पता कैसे चलेगा, कि उसका गंध जो है, उसकी जो 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 खुशबू है या बदबू है, वो कैसे हो जाएगी, गंध में परिवर्तित हो जाएगी, बदबू आने लग जाएगी उसके अंदर से, और उसका जो स्वाद है वो भी बदल जाता है। और इसी प्रक्रिया को, इसी पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। और हम ये अपने दैनिक जीवन में देखते ही हैं, ये अब हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं कि किस तरीके से आलू है, तेल से बनी चीजें जो होती हैं वो सड़ जाती हैं एकदम से, उससे बदबू आने लग जाती, क्यों, विकृत गंधिता के कारण। और विकृत गंधिता क्या होती है, विकृत गंधिता मेन तौर पर क्या होता है, ये सड़ जाना, बासीपन होना। लेकिन ये होता किस कारण है, ये होता है उपचयन अभिक्रिया के कारण, है ना। क्या होता है, वायुमंडल में उपस्थित जो ऑक्सीजन होती है वो उस पदार्थ से अभिक्रिया करती है और उसमें जुड़ती है, फिर उसके कारण क्या होता है, विकृत गंधिता का लक्षण उत्पन्न होता है, है ना। उदाहरण के तौर पर आपसे पूछेंगे तो आप बोल सकते हैं, जब एक खुली चिप्स की थैली वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन के संपर्क में आती है, जिसके परिणाम स्वरूप स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, इसका उदाहरण अगर आपसे उदाहरण पूछे तो आपको ये देना है। अब आपसे विकृत गंधिता ये जो टॉपिक है, इसमें से एक प्रश्न पूछा जा सकता है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, तो उस पर अपन एक बार चर्चा करते हैं। इसमें एक प्रश्न आ सकता है कि प्रतिऑक्सीकारक किसे कहते हैं, है ना, प्रतिऑक्सीकारक किसे कहते हैं। तो तेलीय तथा वायु, सॉरी, तेलीय तथा वसा युक्त खाद्य सामग्रियों में, तेलीय तथा वसा युक्त खाद्य सामग्रियों में उपचयन रोकने वाले पदार्थ मिलाए जाते हैं, है ना। अब मान लो जो चिप्स है अपनी, अब चिप्स खुली है भाई, थोड़ी देर बाद खाना है, क्या करें, ज्यादा खा ली, थोड़ी देर बाद खाना है। अब थोड़ी देर बाद खाएंगे तो वो तो सड़ जाएगी, है ना, क्योंकि हमने देखा कि रेसिडिटी के कारण क्या होगा, उपचयन की अभिक्रिया होगी और ऑक्सीकरण मिलकर क्या कर देगी, सब बर्बाद कर देगी। तो इसको रोका कैसे जाए, है ना, कि हम हमारे खाने पीने की चीजों को किस तरीके से लंबे समय तक यूज कर पाए। तो ऐसा करने के लिए क्या किया जाता है, ये उपचयन की जो अभिक्रिया होती है ना, या तो इसको धीरे कर दिया जाता है, ऐसा कुछ कोई पदार्थ उस चीज के अंदर मिलाया जाता है, या फिर ऐसी एक युक्ति, एक ऐसा ढांचा तैयार किया जाता है, जैसे कोई बर्तन होता है ना, बर्तन टाइप, बॉक्स टाइप टाइट, जिसके अंदर वायु ना जाती हो, इस प्रकार का कुछ किया जाता है। तो उन्हीं सब को, उन्हीं सब युक्तियों को जिनसे उपचयन अभिक्रिया को रोका जाता है, या फिर उसकी अभिक्रिया की गति को मंद किया जाता है, इसी प्रकार की जितने भी युक्तियां होती हैं उसे प्रतिऑक्सीकारक कहते हैं।
प्रतिऑक्सीकारक मतलब होता है ऑक्सीकरण की जो अभिक्रिया होती है उसको रोकने वाला, है ना। तो यहां लिख रखा है तेलीय तथा वसा युक्त खाद्य सामग्रियों में उपचयन रोकने वाले पदार्थ मिलाए जाते हैं, यह पदार्थ प्रतिऑक्सीकारक कहलाते हैं। यही जो पदार्थ है वो प्रतिऑक्सीकारक कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर वायुरोधी बर्तन। वायुरोधी बर्तन मतलब क्या होता है, ऐसा बर्तन जिसमें वायु जाती ही नहीं है, ना एकदम टाइट होते हैं। क्या होते हैं ये बर्तन, बिल्कुल टाइट होते हैं, इसके अंदर वायु नहीं जाती है। फिर दूसरा उदाहरण देख लो कि चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस। क्या होता है, चिप्स की तो थैली होती है ना, चिप्स की थैली में अगर ऑक्सीजन होगी तो गड़बड़ मामला हो जाएगा। क्या होगा, गड़बड़ मामला हो जाएगा, क्योंकि चिप्स जो होती है वो फैट, चिप्स जो होती है उसके अंदर फैट होता है। फैट किस कारण होता है, पोटैटो के कारण होता है, आलू के कारण होता है। तो आलू क्रिया कर लेता है ऑक्सीजन से तो वो बस जाएगा, यानी वहां पर विकृत गंधिता की वो विकृत बासीपन हो जाएगा और वहां पर उपचयन अभिक्रिया होगी। तो क्या किया जाता है, वहां पर ऑक्सीजन का लेवल थोड़ा कम किया जाता है या ऑक्सीजन हटा दिया जाता है और उस थैली के अंदर नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। उस थैली के अंदर क्या भर देते हैं, नाइट्रोजन गैस भर देते हैं ताकि उपचयन की अभिक्रिया कम कम समय में हो। इसी तरीके से एक होता है समुद्री भोजन में तांबा। समुद्री भोजन जो होता है ना वो सड़ ही नहीं जाए। समुद्री भोजन से तात्पर्य जैसे जो मछलियां होती हैं, ये सारी चीजें होती है ना समुद्र से जो प्राप्त होती हैं, तो वो जल्दी सड़ने की संभावना होती है। तो वो जल्दी सड़े नहीं वायु में, यानी उपचयन अभिक्रिया नहीं हो तो क्या करा जाता है, उनके अंदर तांबा डाल दिया जाता है। तो तांबा क्या करता है, ये जो उपचयन अभिक्रिया होती है इसको थोड़ा मंद कर देता है ना, इसको थोड़ा मंद कर देता है। तो ये आपको समझना है आज विकृत गंधिता, और अपन ने क्या समझ लिया, और अपन ने समझ लिया अपनी संक्षारण। ये दो टॉपिक अपने कंप्लीट हुए। अब इसी से रिलेटेड अगर थोड़ा सा आप आगे आओगे तो आपके प्रश्न आते हैं, है ना। ये एनसीईआरटी के ही प्रश्न हैं, वो आते हैं। मैं हर एक टॉपिक पे जो पढ़ाता हूँ उसके बाद उसके प्रश्न कराता हूँ। तो ये लास्ट प्रश्न है, इसके बाद अपना पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा। फिर अपन अगली वाली वीडियो में इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो बोर्ड परीक्षा में आने की संभावनाएं होती है। तो उस वीडियो के लिए आप तैयार रहिएगा। प्रश्न देखिए क्या है। पहला प्रश्न है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। तो लोहे की कील का रंग लोहे के ऊपर कॉपर जमा होने के कारण भूरा हो जाता है और उसका रंग इसलिए बदल जाता है। रंग बदल के कैसा हो जाता है, कौन सा रंग हो जाता है, भूरा रंग हो जाता है, पहली बात। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लोहे के ऊपर कॉपर जमा हो जाता है ना, क्या हो जाता है, कॉपर जमा हो जाता है, पहला। और ये जो अभिक्रिया है वो कुछ इस तरीके से होती है, ये जो लोहा है, लोहे को, लोहा यानी कील, ठीक है ना, इस लोहे को किस में डाला जाता है, कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है। तो क्या होता है, ये कॉपर तो अलग हो जाता है और लोहे के साथ सल्फेट मिल जाता है तो ये फेरस सल्फेट बन जाता है ना। तो इस तरीके की अभिक्रिया है। तो अब अगर आप इस प्रश्न का उत्तर ये लिखकर आए, कारण पहले तो थ्योरी में लिख दीजिए और फिर अभिक्रिया लिखकर आएंगे तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। जिस तरीके से मैंने लिखा है उसी तरह से लिखकर आएंगे तब। अब देखिए दूसरा प्रश्न आता है कि भाई क्रियाकलाप 1.10 से भिन्न द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया को अपन ने समझा था, उसके अंदर अपन ने बहुत से एग्जाम्पल्स पे भी डिस्कस करा था, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स पर डिस्कस किया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स या चैनल सर्च कीजिए, स्टडी सेशन विद एचएम चैनल सर्च कीजिए, क्लास 10th साइंस पर प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिए, वहां पर साइंस के सारे वीडियोज आपको प्रोवाइड की जाएगी बिल्कुल फ्री। तो वहां पर जाकर आप देख सकते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया का। तो वहां पर जो अपने उदाहरण एनसीईआरटी के लिए थे उससे थोड़ा अलग है ना, जो पाठ्य पुस्तक में ना हो ऐसा एक उदाहरण आपको देके बताना है। तो दे दीजिए भाई, बेरियम क्लोराइड जो है ना, ये प्लस जिंक सल्फेट जब अभिक्रिया करते तो जिंक क्लोराइड और बेरियम सल्फेट बनता है, ठीक है, ये अभिक्रिया आप लिख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। अब आता है तीसरा क्वेश्चन कि निम्न अभिक्रियाओं में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए। कि ये अभिक्रिया दे रखी है आपको, इसमें बताना है कि उपचयित पदार्थ कौन सा है और अपचयित पदार्थ कौन सा है। तो बहुत ईजी है, मान लो जैसे कि ये अपने पास पहले वाले अभिक्रिया दे रखी है, इसके अंदर कौन सा उपचयित पदार्थ है। उपचयित पदार्थ का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आप तो मुझे बताएं कि उपचयित मतलब होता है किसी पदार्थ के अंदर ऑक्सीजन जुड़ना। तो मुझे बताओ अभिकारक में ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसके जिससे जिसमें ऑक्सीजन नहीं जुड़ा हुआ है। तो
तो आपको दिख रहा होगा Na जो है इसमें ऑक्सीजन नहीं जुड़ा हुआ है। अब अभिकारक में देखो क्या इसमें ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, हाँ भाई Na के अंदर क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। तो ये Na का क्या हो गया, उपचयन हो गया, यानी ये एक उपचयित पदार्थ है। Na क्या है, एक उपचयित पदार्थ है, यहाँ पर आंसर लिख रखा है उपचयित पदार्थ में Na आ गया। अब देखो यहाँ ऑक्सीजन है ना, यहाँ पर दो ऑक्सीजन है, देख रहे हो आप, यहाँ पर दो ऑक्सीजन है और यहाँ आकर ये कितना रह गया, एक ही रह गया, यहाँ आकर एक ही रह गया, यानी ऑक्सीजन इसमें से निकल गया, ऑक्सीजन इसमें से निकल गया, जो ऑक्सीजन थी वो भी निकल गई। तो जब ऑक्सीजन निकलती है तो अपचयित पदार्थ होता है, तो यहाँ पर अपचयित पदार्थ क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गई, अपचयित पदार्थ क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गई। अब बात कर लेते कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस जब क्रिया करती है तो कॉपर प्लस जल बनता है, तो इसके अंदर उपचयित पदार्थ क्या हो जाएगा। यहाँ अभिकारक में चेक करें कि किसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो आप देखेंगे कॉपर ऑक्साइड जो है इसमें ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर आके देखिए अभी ये उत्पाद के अंदर ये कॉपर ऑक्साइड जो है ये इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था और यहाँ आकर ये अकेले रह गया कॉपर, तो ये तो हो गया अपचयित पदार्थ। अपचयित पदार्थ कौन हो गया, कॉपर ऑक्साइड जो हो गया वो अपचयित पदार्थ है। यहाँ थोड़ा गलत लिख रखा है, यहाँ आप सही करेंगे कॉपर ऑक्साइड दे रखा है, CuO होगा ये, है ना, फोर की जगह यू होगा यहाँ पर, थोड़ा इसको ध्यान रखिए। अपचयित पदार्थ तो हो गया CuO यानी कॉपर ऑक्साइड हो गया, और उपचयित पदार्थ हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन अकेला है और यहाँ जाकर उत्पाद में ये ऑक्सीजन के साथ मिल गया है, तो ये एक उपचयित पदार्थ होगा हाइड्रोजन। बातें क्लियर हुई है, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे को सपोर्ट करें, ताकि इसी तरीके से हम वीडियो अच्छे तरीके से डालते रहें। और कल जो वीडियो आने वाली है उसको इम्पोर्टेंट तरीके से देखना, क्योंकि वो इस चैप्टर में से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो भी अभी तक अपन ने पढ़े उस पर बेस्ड होने वाली है, और वो बोर्ड एग्जाम में भी आपको देखने को मिल सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू।